ये बच्ची कौन है? ये बच्ची हाईवे पे बैठ के अवैध विदेशी बैंड की चिड़िया बेच रही थी। ये मासूम सी बच्ची? हाँ। आप इसकी मासूमियत में मत जाइए, ये चित्ता की बच्ची है। और इसका दुस्साहस देखिए, बिना सरकार को बताए विदेशी ब्रांड की चिड़िया खरीद रही थी और बेच रही थी। अब मालकिन कल कोई छुटंकी को देख के दूसरे लोग भी अगर ऐसे ही करने लगे तो, इसीलिए इसको पकड़ के सरकार के पास लाए हैं। बेटा कौन हो तुम? माँ, ये तो वही लड़की है जिसने चीकू की जान बचाई है। बेटा मेरे पास आओ। अरे तो क्या कर रही मालकिन आप? ये चित्ता है, इसको दहलीज तक आना कभी मना है। पांडे जी, बेटा आ जाओ। एक बात बताओ, तुमने खरगोश की जान क्यों बचाई? काहे अगर वो मारा जाता तो हमको बहुत ही दुख होता, और किसी को कष्ट देना पाप होता है ना। बहुत प्यारी बात की तुमने। फिर इस चिड़िया को क्यों पकड़ा? इसे भी तो दुख होगा ना जब तुम इसे पिंजरे में बंद करोगी। दुख दुख का होगा काकी, सबसे पहले इसे कोई धनवान खरीदेगा, फिर ये किसी महल के सोने के पिंजरे में रहेगी, मोती के दाने खाएगी, और हमारे चीकू खरगोश जैसा इसे भी राजयोग मिल जाएगा, और हमें 100 रुपये भी, ये भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? घुटन हो रही है। क्यों? मैंने तो तुम्हें सोने की चेन से बांधा है। पिंजरा चाहे सोने का हो, लोहे का या तिनके का, पिंजरा पिंजरा होता है। बंधन की जिंदगी में कोई भी खुश नहीं रह सकता। खुला आसमान, आजादी, जहां हर कोई अपने मन की उड़ान भर सके, यही तो चाहिए हम सबको। काकी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। माफ कर देना चुनमुन चुराई, हम बस इतना जानते थे कि हमको 100 रुपये मिलेगी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे आजादी और दर्द दोनों के बदले मिलेगी।